हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवेंथ का चैप्टर फोर दैट इज रेशनल नंबर, इस चैप्टर को रीड करेंगे, देखेंगे। ये रेशनल नंबर का थर्ड वीडियो है, ठीक है। पिछली दो वीडियोस में हमने रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है, और रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो रेशनल नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना हो तो वो कैसे करते हैं, या दो दो रेशनल नंबर दिए हैं तो उनके बीच में और भी हमको रेशनल नंबर निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, ये सब हम पिछले दो पार्ट में देख चुके हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है इसका। इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, इस पार्ट में हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं ये देखेंगे। तो इसमें तो दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन होती है जब हम दो रेशनल नंबर्स को जोड़ते हैं तो पहली कंडीशन हमारी जो हो जाती है किस टाइप की होती है, जब फर्स्ट कंडीशन व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल, जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तब कैसे हम रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा दो रेशनल नंबर लेंगे जिसका क्या हो, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। ले लेते हैं 1/13 और दूसरा क्या है 5/13। देख रहे हैं जैसा इसका न्यूमरेटर 1, इसका डिनोमिनेटर 13, इसका न्यूमरेटर 5, डिनोमिनेटर 13। दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर कितना है, 13 है, दोनों सेम है। तो जब ऐसी कंडीशन हमको मिलती है क्या, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, तब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को आपस में सिंपली ऐड कर देते हैं। सीधे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। 1 + 5 = 6/13, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे, सिंपली न्यूमरेटर उनका ऐड कर देंगे और जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको अपॉन में लिख देंगे। ये बहुत ही सिंपल कंडीशन है, ठीक, फर्स्ट कंडीशन थी। अब आइए देखते हैं दूसरी कंडीशन पे, जब हमारा न्यूमरेटर क्या हो, सॉरी डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, कंडीशन टू व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, जब डिनोमिनेटर क्या होगा डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, ठीक। एग्जांपल के लिए लेते हैं हम 3 लेते हैं, ठीक है, 4 + 5/8 लेते हैं, इन दोनों को हमको ऐड करना है। तो यहाँ पहला रेशनल नंबर 2/3, दूसरा रेशनल नंबर 5/8, दोनों का है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 8 है। तो जब डिनोमिनेटर अलग रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, ऐसे केस में हम दोनों के डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं 3 और 8 का, 2 से लेके गए, सॉरी 2 4 + 8 होता है, फिर 2 से लेके जाएंगे 3 हो जाएगा, 2 से किए 3 1, लास्ट में 3 से कर दिए 1 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 4 = 4 × 2 = 8 × 3 = 24, ठीक। अब आपको क्या करना है, जब एलसीएम 24 आ गया, क्या आ गया 24, तो दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को आपको क्या बनाना है, 24 बनाना है, जितना एलसीएम आएगा अब दोनों के डिनोमिनेटर को हम उतना मल्टीप्लाई करके उतना ही आंसर लाएंगे। जैसे पहला फ्रैक्शन लिखिए 2/3, रेशनल नंबर 3 में क्या मल्टीप्लाई होगी 24 आ जाए, 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए, तो 8 करते हैं
तो जब एट डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एट का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 8 2 16 अपॉन 8 3 24 ये हो गया। फिर 5 अपॉन 8 था, 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 24 हो जाए 3। तो 3 का दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई, 5 3 15, 8 3 24। देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, दोनों यहाँ भी 24 यहाँ भी। अब क्या करेंगे, आप सिंपली न्यूमरेटर को जोड़ देंगे, 16 प्लस 15 अपॉन 24, 21 अपॉन 24, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम आएगा, अब हमको दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जब न्यूमरेटर में करते हैं तो डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, सेम आ जाएगा। जब दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम आ जाएगा तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, ये तो हो गई कंडीशन 2। अब इसी में पढ़ लेते हैं सब्सट्रैक्शन, ये तो एडिशन था, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। हमने जोड़ना सीखा है, कैसे माइनस करेंगे वो भी देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन देखेंगे। इसमें भी दो कंडीशन बनती है, पहला व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल, जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या दें, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट क्या है, 6 अपॉन 13 फ्रॉम 9 अपॉन 13। कह रहा है कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 6 अपॉन 13, किसमें से, 9 अपॉन 13 में से। तो हम पहले 9 अपॉन 13 को आगे लिखेंगे, माइनस की साइन लगाए, फिर 6 अपॉन 13 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब जब डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, तो हम सिंपली जो न्यूमरेटर होगा उसको आपस में माइनस कर लेंगे। 9 माइनस 6, यहाँ का 9 था, यहाँ -6 हो गया, 9 माइनस 6 आंसर इज 3 अपॉन 13। व्हाट इज दिस, दिस इज योर आंसर। ओके, तो जब न्यूमरेटर तो जब डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो बस न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, फिर वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब इसमें देख लेते हैं, जब डिनोमिनेटर दोनों का अलग होता है, डिफरेंट, व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तब क्या होता है, कैसे करते हैं, क्वेश्चन है, एग्जांपल है, सब्ट्रैक्ट 1 अपॉन 4 फ्रॉम 5 अपॉन 6। वन अपॉन फोर माइनस करना है किसमें से, 5 अपॉन 6 में से। तो 5 अपॉन 6 को पहले लिखे, -1 अपॉन 4 कर लिए। देख रहे हैं यहां भी डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का अलग अलग है, तो यहां फिर क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 6 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे, 2 3 2 2 2 3 1 1 3 1 1, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 3 2 2 4 4 3 12 आ गया एलसीएम। ठीक, ये एलसीएम भी आप कॉपी पे शो करेंगे, दिखाएंगे इसको। ठीक
ठीक, एलसीएम आ गया इसका 12। अब दोनों के डिनोमिनेटर को आपको क्या बनाना है, 12 बनाना है, तो कैसे करेंगे? 5 अपॉन 6, 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो जाए, 2 का करेंगे ऊपर नीचे दोनों में 2, 5 2 10 -6 2 12, फिर 1 अपॉन 4, 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो जाए, 3, 3 3 1 3, 4 3 12। अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 10 -3 अपॉन 12, 10 -3 हो जाएगा 7, 7 अपॉन 12 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो जब डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट होता है तो एलसीएम निकाल के जितना एलसीएम आएगा दोनों के डिनोमिनेटर को उतना मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेंगे, उसके इक्वल एलसीएम के इक्वल कर लेंगे, फिर एलसीएम जब इक्वल हो जाएगा डिनोमिनेटर दोनों का फिर न्यूमरेटर को माइनस कर लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक और है जो आपको एडिटिव इनवर्स क्या होता है पढ़ना है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स हम समझते हैं, जैसे अगर कोई दो रेशनल नंबर हमने लिया, इफ देयर आर टू रेशनल नंबर्स और दोनों को जोड़ने पे जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक नंबर दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे कि अगर टू, टू में हम क्या ऐड करते हैं, -2 ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करते हैं, -2, ये क्या हो जाएगा, 2 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो साइन मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा, 2 -2 = 0, आंसर क्या आ गया, 0। तो अगर एक नंबर में दूसरा नंबर ऐड करने पे आंसर 0 आ रहा है तो दूसरा वाला नंबर पहले वाले का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, या तो पहला नंबर दूसरे नंबर का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जब हम 2 लेते हैं तो 2 का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2, और जब -2 लेते हैं तो 2 का, -2 का एडिटिव इनवर्स +2, तो प्लस लिखते नहीं है फिर 2 हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको सिंपली समझ सकते हैं कि अगर दो दो रेशनल नंबर्स को जोड़ने पे आंसर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका और एग्जाम्पल हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल है 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 का एडिटिव इनवर्स -1 अपॉन 4। ठीक है, तो ये प्लस में था तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस में आ गया, अब अगर यहां माइनस में होता एक तब इसका एडिटिव इनवर्स प्लस हो जाता, क्या हो जाता, प्लस में आ जाता। ठीक, समझ में क्या बात? अगर एक मैं दूसरा ही एग्जांपल ले लूं, -2 अपॉन -3, तो जब हम इसको लिखते हैं -2 और -3 तो आपस में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 3, इसका एडिटिव इनवर्स जब हम लिखते हैं तो -2 अपॉन 3 ये हो जाए। क्वेश्चन हमारा क्या था, -2 अपॉन -3, उसका एडिटिव इनवर्स -2 अपॉन 3। तो हमने आपको एडिशन ऑफ रेशनल नंबर बता दिया, सब्सट्रैक्शन बता दिया और एडिटिव इनवर्स बता दिया। अब इसी बेस पे आप लोग एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे, बाकी की इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। थैंक यू।